सलामकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आप इस वीडियो में एमयू बीएससी पैरामेडिकल के बारे में। इसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, मैंने बताया था आपको डेट, उस डेट पे आया है। मैंने बताई थी कट ऑफ, आपको कट ऑफ दोस्तों जो मैंने बताई थी बिल्कुल वही बैठी है, आप देखें। तो बात करेंगे आज की वीडियो में जिनका वेटिंग में आया है, कहाँ तक वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि ये बच्चे बड़ा बेचैन होंगे, इनके माँ बाप बड़े बेचैन होंगे कि पता नहीं क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स उम्मीदें क्लियर हो जाएंगे। जिनको 2025 के लिए इनका नाम नहीं आया उनको वो अपना दिल छोटा ना करें, दोबारा तैयारी करें, लेकिन टाइमली आप तैयारी करें, क्योंकि कम सीट्स होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉम्पिटिशन तक होता है। तो आपको नोट्स आएंगे बेस्ट दे दूंगा, आपको बेस्ट मिल जाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ लिया आपने, उनको सही से समझ लिया पढ़ लिया तो आप ज़रूर 75 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जितनी जल्दी आप नोट्स लेंगे उतना आपको उतना टाइम मिलेगा, उतने अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे और उतना ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, नोट्स फ्री में नहीं मिलेंगे, कुछ पैसे आपको उसके लिए पे करना पड़ेंगे, लेकिन बहुत कम पैसों में बिना कोचिंग कोचिंग जाएंगे आप, अच्छी कोचिंग तो 15-20 हज़ार रुपये से कम तो कोई नहीं लेगा। लास्ट में क्रैश कोर्स के उससे बहुत कम प्राइस में आपको ऐसे नोट्स दे दूंगा मैं जो आपका टेस्ट आसानी से निकलवा सकते हैं। सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें कि ऐसी वीडियो आप तक टाइम पर कर पहुँचे। दोस्तों जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिनका वेटिंग में उनके बारे में बात करूँगा। जो उनका नहीं हो पाया है दिल छोटा ना करें, दोबारा अच्छे से आप तैयारी करें ताकि आपका नेक्स्ट ईयर हो जाए। सो वेटिंग यहाँ पर निकाली गई है 350 वेटिंग क्लियर होना, सारे तो क्लियर होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोर्सेज ऐसे नहीं जिनमें लोग एडमिशन छोड़ें दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात दोस्तों ये है कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है दोस्तों। मेरे ख्याल से 350 में से जहाँ तक मेरे ख्याल है, मैं 70% तक उम्मीद है कि 175 तक वेटिंग क्लियर हो सकती है। जहाँ तक दोस्तों ये मेरा गैस है, ध्यान रहे तो 100% ना माने आप, केवल गैस ही कर सकते हैं हम, डिपेंड शायद 180 भी हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 175 तक वेटिंग क्लियर इसमें हो सकती है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों कोर्स क्या मिलेगा 100 के ऊपर वालों को ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी वेटिंग जो है 60-70 तक अगर आपकी वेटिंग आई, तो आप जो टॉप कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको MLT है या आपका OTT है दोस्तों या आपका डायलिसिस है, ये वाले कोर्सेज में चांस है आपको मिल सकता है, आपका नाम आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज़रूर छोड़ेंगे जिनका एम्स में हो जाएगा, कुछ BSc बैठे हैं, कुछ शायद जाएँ, कुछ शायद BSc बैठ केमिस्ट्री में चले जाएँ, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो बच्चे ज़रूर सीट छोड़ेंगे। तो और या किसी का और जगह हो जाए, और भी जगह आपको उन्होंने दिया होगा मैं पैरामेडिकल का टेस्ट, तो सीट खाली होंगी। तो 60-70 वाले तक को तो एक डिसेंट कोर्स उम्मीदें मिल रही बहुत ज़्यादा, ये 100% नहीं है, पता 80 वाले तक कोई मिल जाए, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाएंगे मे बी 100 के ऊपर 100 तक वाले को शायद मिल जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत कम लेकिन कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन 100 के ऊपर वाले में जो उनकी वेटिंग होगी उनको लार्जली ध्यान रखें, लार्जली 100% नहीं बोल रहा हूँ, BPT मिल सकता है या उनको आपको DDH मिल सकता है या उनको मतलब या आपका डेंटल मिल मैकेनिक्स वाला शायद मिल जाए, तो इन कोर्सेज में ज़्यादा उम्मीद है उनको मिलने की। बाकी जो टॉप कोर्सेज हैं उनमें शायद उनको ना मिले, क्योंकि इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको BUMS में हो जाएगा, तो कुछ बच्चे वहाँ भी चले जाएंगे, तो सीट खाली होंगे। लेकिन अगेन इस बात का ख्याल रखें कि 60-70 वालों तक 80 वालों तक जो है उनको एक डिसेंट कोर्स मिल सकता है, उसके बाद देखते फिर क्या होता है, फिर तो ये सीट खाली होंगी तो ये आपको मिलने वाला है। तो बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैंने कोर्स बताया आपको उसी में से ज़्यादा चांस है मिलने का। तो ये मेरा गैस है, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।